भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशलैन जी का है। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको याद दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के चतुर्थ कांड का पहला भाग है, और इसमें बाबा साहेब जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा ये है कि जिसे लोग धर्म, मजहब, रिलीजन इन अलग अलग शब्दों से पुकारते हैं वो, और जो तथागत सिखाते हैं वो धम्म, इसमें क्या अंतर है। तो इस अंतर को समझाते हुए इस समय बाबा साहेब ने लिखे हैं सुनखत और तथागत के बीच हुआ वो संवाद जो इस समय तथागत भगव को सुना रहे हैं। और भगव ये अनुपिय नगर के पास रहने वाले एक परिव्राजक हैं, और उन परिव्राजक को तथागत इस समय ये बात समझा सिखा रहे हैं कि वे जो सिखाते और समझाते हैं वो प्रचलित धर्म या रिलीजन या फिर मजहब इनकी मान्यताओं से कैसे अलग है, उसमें कितना अंतर है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। पिछली कड़ी की बात आपको बता देते हैं। पिछली कड़ी में तथागत ये बात समझा रहे हैं सुनखत को। उन्होंने सुनखत से कहा कि देखो भाई, कोई प्रतिहार्य यानी कि चमत्कार दिखाएं या ना दिखाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तथागत जो शिक्षा देते हैं वो शिक्षा ये है कि उनकी शिक्षाओं का यानी कि तथागत के धम्म का उद्देश्य ये है कि जो कोई उनके धम्म के अनुसार आचरण करेगा वो अपने दुखों का नाश कर सकेगा। अगर धम्म का आचरण करता है तो दुखों का नाश कर सकता है। बस इतनी सामान्य सी बात तथागत बता रहे हैं। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए तथागत कहते हैं कि सुनखत, जब धम्म के उद्देश्य की दृष्टि से इसका कोई महत्व ही नहीं कि प्रातिहार्य दिखाया जाए अथवा ना दिखाया जाए, तो तेरे लिए ही प्रातिहार्य प्रदर्शन का क्या मूल्य है। तथागत कहते हैं कि सुनखत, जब इस बात का कोई मतलब ही नहीं है धम्म के उद्देश्य की दृष्टि से, मतलब तथागत की शिक्षाओं का जो उद्देश्य है, तथागत के धम्म का जो उद्देश्य है, उसकी दृष्टि से यदि इस बात का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मूल्य ही नहीं है कि कोई चमत्कार दिखाए जाए या ना दिखाए जाए, तो फिर इसका कोई प्रयोजन नहीं। फिर वे कहते हैं, हे मूर्ख, अब तू देख कि इसमें तेरा अपना ही कितना कसूर है, क्योंकि तथागत तो इस बात का कभी वादा नहीं करते और ना ही दावा करते हैं कि वो कोई चमत्कार दिखाएंगे तो उनके शिष्य बन जाओ। तो फिर इस बात का तो कोई मतलब ही नहीं है कि तथागत ने उनको चमत्कार, सुनखत को चमत्कार दिखाए या ना दिखाए, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो मनुष्यों की शक्ति से परे जो चीज है उसका कभी कोई समर्थन नहीं करते और ना ही ऐसे किसी प्रदर्शन को वो सामने रखते हैं। अब देखिए सुनखत कहता है, लेकिन भगवान, आप मुझे सृष्टि के आरंभ का भी पता नहीं देते। फिर वो कहता है कि मैं आपका शिष्यत्व इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि आप मुझे सृष्टि के आरंभ का पता नहीं देते। तो फिर तथागत कहते, अच्छा तो सुनखत, मैंने तुझे कब कहा था कि आ सुनखत, तू मेरा शिष्य बन जा, मैं तुझे सृष्टि के आरंभ का पता बता दूंगा। तथागत कहते हैं सुनखत से कि सुनखत, मैंने कब तुझसे कहा था कि सुनखत आ जा, तू मेरा शिष्य बन जा, तू मेरा शिष्य बनेगा तो मैं तुझे बताऊंगा कि सृष्टि के आरंभ का पता क्या है, मैंने कब कहा था ये। तो वो कहता है, भगवान आपने तो नहीं कहा था, तो क्या तूने ऐसा कहा था कि मैं आपका शिष्य बनूंगा तभी जब आप मुझे
सृष्टि के आरंभ का पता देंगे? तो बोले, तथागत, मैंने ये भी नहीं कहा था। तो जब ना मैंने तुझसे कहा ना तूने मुझसे कहा, तो फिर इस बात का मतलब क्या है? ये जो तू जिसे त्यागने की बात कर रहा है शिष्यत्व को, इसका मतलब क्या है? तथागत इसमें एक बात समझा रहे हैं कि तथागत का शिष्य वो होता है जो इन सब बिना मतलब की चीजों में फंसा नहीं होता, और तथागत किसी से ये वादा नहीं करते कि आओ मेरे शिष्य बन जाओ, फिर मैं तुम्हें सृष्टि के आरंभ का पता बताऊंगा। इसे जीवन का क्या मतलब है? इसे जीवन का कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है कि सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ, उसका अंत कैसे होगा, इससे क्या लेना और देना है। फिर तथागत कहते हैं कि सुनखत, तो क्या सोचता है? चाहे मैं सृष्टि के आरंभ का पता बताऊं और चाहूं ना बताऊं, क्या मेरे धम्म का ये उद्देश्य नहीं कि जो मेरे धम्म के अनुसार आचरण करेगा वो अपने दुखों का नाश करेगा? ये तो जीवन का उद्देश्य है कि हर कोई व्यक्ति सुखपूर्वक जीवन जीना चाहता है, और तथागत दुखों के नाश करने का मार्ग बताते हैं कि दुखों का नाश कैसे कर सकते हो, तो धम्म के अनुसार आचरण कर लो। फिर तथागत कहते हैं कि जब इस बात का कोई मतलब ही नहीं है, मेरे धम्म का उद्देश्य ही ये है कि धम्म के अनुसार आचरण कर लो तो तुम दुखों का नाश कर सकोगे, तो इस बात का कोई मतलब नहीं निकलता कि तथागत सृष्टि के आरंभ का पता बताएं या ना बताएं, कोई प्रातिहार्य यानी कि चमत्कार दिखाएं या ना दिखाएं, इस बात का कोई मूल्य नहीं है, कोई मोल नहीं है। फिर वो कहता है, भगवान, चाहे आप सृष्टि के आरंभ का पता बताएं और चाहे ना बताएं, निश्चय से तथागत की धम्म देशना का यही उद्देश्य है कि जो कोई भी तथागत के धम्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुखों का नाश कर सकेगा। अब सुनखत इस बात को मान लेता है। फिर तथागत कहते हैं, सुनखत, जब धम्म के उद्देश्य की दृष्टि से इसका कोई महत्व ही नहीं है। फिर एक बार उसे समझा रहे हैं कि जब धम्म के उद्देश्य की दृष्टि से, क्योंकि इसमें बाबा साहेब जो चर्चा कर रहे हैं वो मजहब, रिलीजन या धर्म, इनका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य, और धम्म का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य, तो इन दोनों का आपस में कोई तालमेल ही नहीं है। तो इसका उद्देश्य, धम्म का उद्देश्य है कि लोगों को दुखों से दूर ले जाना, उन्हें सुख के करीब ले जाना। तो जब धर्म के उद्देश्य की दृष्टि से इसका कोई महत्व ही नहीं कि चाहे सृष्टि के आरंभ का पता बताया जाए चाहे ना बताया जाए, तो तेरे लिए ही इसका क्या मूल्य है कि सृष्टि के आरंभ का पता बताया जाए, तेरे लिए ही इसका क्या मोल है? सुनखत, तथागत पूछते हैं, सुनखत, तेरे लिए ही इसका क्या मोल है कि तुझे सृष्टि के आरंभ का पता बताया जाए, इससे तेरा क्या फायदा है? इससे दुख दूर कैसे होगे, इससे सुख के करीब कैसे जाओगे? तो ये तो कोई रास्ता ही नहीं है। इससे ये प्रकट होता है, बाबा साहब लिखते हैं, इससे ये प्रकट होता है कि मजहब या धर्म या रिलीजन को तो सृष्टि के आरंभ से सरोकार है, और धम्म का उद्देश्य इससे एकदम अलग है। अब सारे धर्मों की अगर स्टडी करते हैं तो उस स्टडी में ये एक अनिवार्य हिस्सा होता है, सृष्टि के आरंभ का पता बताना। तो सृष्टि के आरंभ का पता बताने से जीवन का कोई संबंध ही नहीं है। तो बाबा साहेब लिखते हैं कि धर्म हो, रिलीजन हो या मजहब हो, इनका सीधा संबंध ये सृष्टि के आरंभ से इसका उसका पता बताने से इसका संबंध जुड़ता है, जबकि तथागत के धम्म का संबंध ये मनुष्य के जीवन से है, न कि सृष्टि के आरंभ का पता बताने से। फिर यहाँ एक छोटे से शीर्षक के साथ फिर आगे बढ़ते हैं वे, और फिर उसको अपनी बात को और आगे समझाते हुए बाबा साहेब लिखते हैं कि मजहब या धर्म या रिलीजन और धम्म में जो दूसरे फर्क है उस चर्चा से स्पष्ट हो जाते हैं जो तथागत बुद्ध और पोठपाद के बीच हुई थी। ये तो सुनखत की बात हो गई, लेकिन पोठपाद और तथागत के बीच जो चर्चा हुई उस चर्चा से भी ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि वास्तव में
तथागत के धम्म का उद्देश्य क्या है, क्योंकि इस अध्याय में तथागत के धम्म का उद्देश्य और अन्य धर्मों का उद्देश्य, रिलीजन का उद्देश्य, मजहब का उद्देश्य क्या है, ये समझने और समझाने की कोशिश बाबा साहेब कर रहे हैं। तो बाबा साहेब लिखते हैं कि मजहब, धर्म अथवा रिलीजन और धर्म में जो दूसरे फर्क है वे इस चर्चा से स्पष्ट हो जाते हैं। ये एक समय की बात है जब तथागत बुद्ध अनाथ पिंडिक के जेतवनाराम में ठहरे हुए थे। यहां तथागत ने बड़ा लंबा वक्त गुजारा है, अनाथ पिंडिक का जेतवनाराम, तो यही वे ठहरे हुए थे। और उस समय पोट्ठपाद नाम का परिव्राजक मल्लिका के महाप्रसाद में ठहरा हुआ था। पोट्ठपाद जो था ये परिव्राजक मल्लिका के प्रसाद में ठहरा हुआ था और उसका उद्देश्य दार्शनिक चर्चा करना था। पहले ये भी एक विशिष्ट बात हुआ करती थी, आज भी होती है, थोड़े कम होती है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, लेकिन उनका एक विशिष्ट वर्ग है जो दार्शनिक चर्चाएं करते हैं। तो इन्हें भी दार्शनिक चर्चा करने में बड़ा रस था। तो उसके साथ बहुत से अनुयायी परिव्राजक थे, लगभग 300 अनुयायी। तथागत बुद्ध और पोट्ठपाद के बीच जो बातचीत हुई तो पोट्ठपाद ने पूछा, अब देखिए तथागत के पास जब वे आए और ये जो चर्चा हुई तो इस चर्चा में पोट्ठपाद के लगभग 300 के आसपास शिष्य थे, उसके परिव्राजक मित्र थे और वो उन परिव्राजकों का ये नेतृत्व करते थे पोट्ठपाद। ये आए तथागत के पास और तथागत के पास आकर उनसे उन्होंने पूछा। अब वो जो उन्होंने पूछा और उनका ये जो पूरा संवाद है, ये संवाद बाबा साहेब ने ये बुद्ध और उनका धम्म के चतुर्थ कांड के इस पहले अध्याय में लिखे हैं। इस पूरे संवाद से आपको जोड़ेंगे, लेकिन आपको इंतजार करना होगा अगली कड़ी का। तो यहां रुकते हैं, आपसे इजाजत चाहते हैं और ये वादा करते हैं कि अगली कड़ी में आपसे पुनः मुलाकात होगी। बुद्ध और उनका धम्म।